ये भी हमें ध्यान रखना है। अब अपने क्वेश्चन है इनको सही करो, करो भाई सही। अब देखो पहला क्वेश्चन में लिखा वी हैव नेवर विजिटेड दिस प्लेस एगो, ठीक है। तो अगर हम एगो लिख रहे हैं तो यहां पर हमारा टेंस होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ये तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है, तो अब हम क्या करें इसको प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट इंडेफिनिट कर दें, तो आंसर है नहीं, ऐसा करने से फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं फायदा होगा? क्योंकि अगर मान देखो एक चीज तो हमेशा ध्यान देना है कि एगो का यूज पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। तो ये जो हमने हैव नेवर विजिटेड लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आ गया कि हैव हटा दो, ठीक है, सीधे लिख दो भी नेवर विजिटेड दिस प्लेस एगो, लेकिन सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एगो का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, तो हमेशा हमें बताना पड़ता हाउ मच बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। जैसे मान लो हम लिखेंगे एगो, तो एगो के साथ हमेशा हमें टाइम बताना पड़ेगा, एक्स एगो, हाउ मच एगो, एक्स का मतलब टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, उसके बगैर आप नहीं यूज कर सकते इसे। तो एगो का मतलब बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट होता है, तो कितना बैकवर्ड ये आपको हमेशा बताना पड़ेगा, 2 weeks ago, 3 weeks ago, a month ago, 2 months ago, तो ऐसा बताना पड़ेगा। अब आप फर्स्ट में देखो एगो के साथ हमने कोई टाइम ड्यूरेशन तो लिखी नहीं है, तो बिना टाइम ड्यूरेशन के कैसे सही होगा? तो या तो उसके साथ टाइम ड्यूरेशन लिखो 2 weeks ago, 3 weeks ago, और जब टाइम ड्यूरेशन लिख दोगे फिर टेंस भी चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर तो आपको पास्ट इंडेफिनिट लिखना ही पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखी है तो आप एगो को छोड़ दो, एगो की जगह लिख दो बिफोर। आपको ये सोचेगा बिफोर तो पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, फिर ये क्यों आ गया यहाँ पे? तो देखो बिफोर तब पास्ट परफेक्ट में यूज होता है जब बिफोर का मतलब हो बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। अगर बिफोर का मतलब अर्लियर हो तो किसी भी टेंस में लिखा जा सकता है। तो वहां पर जो फर्स्ट सेंटेंस में हमने बिफोर लिखा उसका मतलब अर्लियर है, अर्लियर का मतलब जिस समय हम बात कर रहे हैं उससे पहले। तो बिफोर का यूज जब हम करते हैं टाइम की ड्यूरेशन के साथ, जैसे हम लिख दें 3 days बिफोर, 2 months बिफोर, तो फिर ये यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन अगर बिफोर का मतलब अर्लियर हो तो हम इसका यूज किसी भी टेंस में कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में आप एगो हटाइए और बिफोर लिखिए, वी हैव नेवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। तो बिफोर का मतलब है यहाँ पर अर्लियर, ना कि इसका मतलब यहाँ पे एक्स टाइम एगो नहीं है, इसका मतलब है बिफोर, ठीक है। अब दूसरे में आ जाओ, दूसरे एग्जाम्पल में हमने लिखा दे सेंट अस अ पार्सल, तो सेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ तो इसका मतलब हम प्रेजेंट से बैक गए होंगे, तो अगर हम प्रेजेंट से बैक गए हैं तो प्रेजेंट से बैक जाने के लिए बिफोर तो यूज नहीं होता, तो एगो यूज करो, दे सेंट अस अ पार्सल 3 weeks एगो। अब यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है, ऑलरेडी लिखा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस सही भी हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है तो इसका मतलब हम पास्ट से बैक गए हैं, अगर पास्ट से बैक गए हो तो फिर एगो मत लिखो, बिफोर लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 3 hours बिफोर, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट 3 hours बिफोर, ट्रेन 3 घंटा पहले ही चली गई थी, मतलब कुछ हुआ होगा बाद में लेकिन ट्रेन उससे 3 घंटा पहले जा चुकी थी। तो ये जो एगो और बिफोर का डिफरेंस है ये भी ध्यान रखें। तो ये जो आज हमने एडवर्ब्स डिस्कस किए हैं, जैसे एगो बिफोर है, हाई हाईली है, इसी तरीके के कुछ और कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स हैं, उनको हम अगली क्लास में, आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे।